वाल्मीकि रामायण में हम लोग बालकांड में 43 नंबर अध्याय शुरू करेंगे, गंगा अवतरण। इसके बाद समुद्र मंथन है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आलोचना की थी, वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराण, इन सबको मिला करके एक साथ इतिहास पुराण इस नाम से जाना जाता है। तो इसमें जिसे एक मूल कहानी रहती है, साथ में बहुत सारी दूसरी कहानियाँ भी घुस जाती हैं, जो हिंदू लोगों की जो आध्यात्मिक परंपरा है यह हमारे सामने रखती हैं। तो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तत्व के साथ, एक तो तत्व है और तत्व के साथ आपकी जो परंपरा है उसे भी दिया जाता है। जैसे अगर उपनिषद पढ़ा जाए तो उपनिषद में परंपरा हम लोगों को नहीं मिलती है, उसमें केवल बोलेंगे ऋषि की परंपरा में हमने यह सीखा है, क्योंकि आपको केवल तत्व वाक्य बतला देंगे। वेद में, विशेष करके वेद में जो मूल, जहाँ पर मंत्र आदि हैं, वहाँ पर भी केवल मूल बातें हैं, लेकिन बाद के अंश में बहुत सारी चीज़ें हैं। और वेद से ही कहते हैं बहुत सारी कहानियाँ निकली हैं, लेकिन वेद के बाहर परंपरा थी जहाँ पर लोग यज्ञ आदि के बाद कहानियाँ कहा करते थे। वेद में भी है नारशंसी नाम से, जहाँ पर कहते हैं कि इस तरह की कहानियाँ वहाँ पर जैसे बीजाकार में हों, लेकिन कहते हैं ये पौराणिक कहानियाँ पुराने समय से कब से चली आ रही है किसी को नहीं पता है। जैसे ये जो गंगा अवतरण की कहानी है, कब से चली आ रही है किसी को नहीं पता है। बाद में ये नाम वो नाम सब दे करके जैसे एक ऐतिहासिक सत्य के रूप में सामने रखा जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि भगीरथ ने गंगा को लाया, तो स्वाभाविक प्रश्न उठेगा, क्या भगीरथ के पहले गंगा नहीं थी? तो बात जमती नहीं है। पुराण का अर्थ यही है कि जब से कहानियाँ बनी हैं, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की कहानी कही जा रही है, श्री रामचंद्र जी को लेकर के विश्वामित्र अयोध्या से चले, अपने आश्रम में आए, ताड़का आदि का वध हुआ, और वहाँ से अब मिथिला की ओर जा रहे हैं। रास्ते में जहाँ जहाँ जो भी विशेष स्थान दिखाई पड़ रहा है उसकी महिमा के बारे में बतला रहे हैं। लेकिन यह गंगा अवतरण की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें वाल्मीकि रामायण में है और अन्य अन्य ग्रंथों में भी है। अब क्यों भगीरथ का नाम आया हम लोगों को नहीं पता है। ऐतिहासिक सत्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बात जस्ती नहीं है, क्योंकि यह मानना कि भगीरथ के पहले गंगा नहीं थी, बात जमती नहीं है। अब क्या इसके अंदर है तत्व, मुझे नहीं पता है। तो ये जो पौराणिक कथाएं हैं, विशेष करके जब हम लोग अलग अलग पुराण पढ़ते हैं, चाहे भागवत पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, जो कोई भी लें, तो उसमें कहानियां ही कहानियां हैं। और ये कहानियां बनाई नहीं गई हैं, ये कहानियां परंपरागत कहानी हैं। ऋषि लोग अपने शिष्यों को बतलाते थे, उनके शिष्य अपने शिष्यों को बतलाते थे, और जहाँ भी मंडली जमती थी, कोई यज्ञ आदि हो रहा है या राज दरबार में, वे कहानी सुनाया करते थे। एक बार मैं एक नाई से मिला, और वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैंने देखा वो पुराण से कहानी मुझे सुना रहा था, जो कि बहुत प्रचलित कहानी नहीं है। आश्चर्यचकित होकर मैंने पूछा उसे कि तुम कहाँ कहानी कैसे जानते हो, तो बोला उसके गांव में कोई आए थे कथा वाचन करने के लिए, वो कहानी सुना रहे थे, और वो कहानी सुन करके इसने जो कहानी सीखी बिल्कुल वैसी है जैसी कि पुराण में वर्णित है। तो इसी तरह से परंपरा चलती थी, बाद में इन लोगों ने जब इसे लिपिबद्ध कर दिया तो आज तक हम लोगों के पास आ रही, नहीं तो खो ही जाती है। तो इसके बाद कहते हैं कि भगीरथ, हम लोगों ने इसके पहले हल्की सी बात की थी कि एक कि भगीरथ
उनके पूर्वज जो सगर सगर के पुत्र थे और कहते हैं कि 60,000 पुत्र थे, तो उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ। उसमें घोड़े को चुरा करके इंद्र को डर लगा कि यज्ञ अगर पूरा हो गया उसका पद चला जाएगा। तो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि का आश्रम यहीं ये गंगा सागर पे है, तो कहते हैं वहाँ पाताल में ले जा करके छुपा दिया। अब वो यज्ञ का घोड़ा है, ढूंढते ढूंढते वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये जो मुनि यहाँ पर बैठे हुए ध्यान में, इन्होंने ही घोड़े को चुराया है। तो उसे धक्का उक्का मारने लगे, वो नाराज हो गए, उन्होंने शाप दिया, वहीं पर सारे के सारे भस्म हो गए। अब भस्म हो गए एक ऋषि के अभिशाप से, इनको पार कराना था, इनको जल तक पहुंचाना था। ये देखेंगे हिंदू लोग हमेशा चाहते हैं कोई व्यक्ति जब मरता है तो उसकी अंत्येष्टि आग में हो और उसे जल में समर्पित किया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जल किसी न किसी रूप में समुद्र से जुड़ा हुआ है और समुद्र में पहुंच जाना माने विराट के साथ मिल जाना। हम लोग अपने को क्षुद्र नहीं मानते, हम लोग अपने को उस विराट से जुड़ा हुआ मानते हैं। इस चीज़ को हम लोग हर कदम पर और हर मौके पर हम लोग चाहते हैं कि सबको ज्ञात हो। अंत्येष्टि क्रिया, दाह क्रिया के बाद भी हम लोग चाहते हैं कि वह पहुंच जाए। अब ये 60,000 संतान, वास्तव में कितने थे पता नहीं, ये लोग जो वहाँ पर जल गए इस तरह से, तो सही ढंग से तो वो जले नहीं, उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई और उनका जो भस्मावशेष है जल में नहीं गया। तो उनके बाद जो उनके वंश में आए उन लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हो सका। अब कहा कि अब इसका एक ही उपाय है, अगर गंगा जो स्वर्ग लोक से, इसके पहले हम लोगों ने आलोचना की थी कि कैसे हिमवान की ज्येष्ठ कन्या थी, उनको अगर लाया जाए तो गंगा ही इन्हें पार करा सके। यहाँ पर जो इतिहास के पंडित हैं उनका कहना है, असल में भारत का बहुत प्राचीन इतिहास बहुत धूमिल है और कम्युनिस्ट पंडित लोग जो थे जिनका प्रभाव कांग्रेस के समय भी था, मैंने ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट ये लोग इतिहास को एक तरह से देखते थे और वास्तविक इतिहास क्या था हम लोगों को किसी को नहीं पता है। भारत में जितना भी इतिहास लिखा गया है आप देखेंगे या तो अंग्रेजों ने लिखा और अंग्रेज के बाद कम्युनिस्ट लोगों ने लिखा या कम्युनिस्ट के प्रभाव में जो लोग थे, और कम्युनिस्ट लोग इतिहास को अपने अनुसार लिखते रहे। परंपरागत हिंदू, उनमें यह पांडित्य नहीं था कि उनके साथ वो भिड़ सकें, और साथ में कहीं पर वो लोग गलती कर रहे थे, शास्त्र को इतिहास समझ रहे थे। शास्त्र इतिहास नहीं होता है, शास्त्र में इतिहास का तत्व छुपा रहता है। तो लोगों ने इसको लेकर के काम ठीक से नहीं किया। अब बहुतों का कहना है कि वेद में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें सरस्वती नदी, सिंधु नदी, इस सब के बारे में है लेकिन गंगा का महत्व नहीं था। और धीरे धीरे विभिन्न कारण से जो आर्य सभ्यता थी धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़नी शुरू हुई। तो वेदों में जो वर्णित स्थान है ये सिंधु प्रांत का है जो पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उस सब समय का। वहाँ से धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। अब इतिहास के लोग बोलते हैं, अब सब बात को समझना भी बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या के हैं और पांडव लोग हस्तिनापुर के हैं, यानी दिल्ली के आसपास। और चूंकि आर्य लोग धीरे धीरे बढ़े हैं इसीलिए यह राम कथा जो है कृष्ण के बाद है। कोई हिंदू इस बात को कभी नहीं मानेगा, कोई भी हिंदू जिसे जरा भी ज्ञान है अपनी कहानियों का, अपनी परंपरा का, वो हमेशा जानता है कि रामचंद्र बहुत पहले थे, कृष्ण काफ़ी बाद में हुए हैं। लेकिन अगर आप यह जो आर्य लोग जो चले हैं जिस तरह से धीरे 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 पूर्व की ओर चले और क्या क्या,
इसके अनुसार अगर देखते हैं तो कृष्ण कथा पहले होनी चाहिए क्योंकि वो दिल्ली के आसपास है, और राम कथा बहुत बाद में होनी चाहिए क्योंकि अयोध्या के पास है। कोई हिंदू नहीं मानेगा इस बात को। तो इतिहास, जो ऐतिहासिक लोग हैं, इनकी सब बात को मानना मुश्किल है, और सही ढंग से इस पर जो खोज सही सही होनी चाहिए लोगों ने नहीं किया है, और जिन लोगों ने किया है उनको हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता के प्रति वह जो प्रेम होना चाहिए वह प्रेम नहीं था। खैर, लोगों का कहना है कि सिंधु प्रीति, सरस्वती प्रीति यह धीरे 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 समाप्त हो गई क्योंकि वो लोग वहाँ से हट गए थे, और गंगा प्रीति। अब गंगा प्रीति जब है तो गंगा को महान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेद में उस तरह से नहीं है, कहते हैं कि एक जगह कहीं पर है गंगा का नाम, तो इसको अब इस तरह से लाते हैं कि यह स्वर्ग से उतर रही है। अब स्वर्ग से उतर रही है जो देवताओं की सेवा में थी, तो गंगा तो पवित्र हो गई। आज जब हम लोग हिंदू सभ्यता को देखते हैं, हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म को देखते हैं, तो अगर पांच पवित्रतम चीज हिंदू लोगों के लिए गिना जाए, गंगा एक उसमें से गंगा है। गंगा, गायत्री, गया, इस तरह से गुरु, ये जो है ना, ये बहुत बहुत पवित्र हैं, और सारे हिंदू लोग, हिंदू कहीं के भी हों, उनके लिए गंगा नदी पवित्रतम नदी है। पवित्र, उसका जल पवित्रतम है जो किसी भी चीज़ को पवित्र कर देती है। वाल्मीकि रामायण में इसके अवतरण का वर्णन है। अब हो सकता है कि यहाँ से यह वर्णन दूसरे दूसरे ग्रंथों में गया हो, या हो सकता है कि यह परंपरा पहले से ही थी और अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रंथों में गया हो। तो कहते हैं कि कहानी में कि जब सब प्रयास विफल हो गया, अब आए हमारे भगीरथ, और भगीरथ तपस्या करने लगे। अब स्वर्ग से गंगा को उतारना है। यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखिएगा कि हिंदू लोग जब भी कुछ करते हैं उसे किसी न किसी रूप में एक दिव्य उत्स, इसकी जो शुरुआत है दिव्य है, इसको जब तक नहीं देंगे ना, हिंदू लोग उसको मानना नहीं चाहते हैं। इसमें जैसे है मनुस्मृति, बहुत सुंदर पुस्तक है, सबको पता है कि मनुस्मृति तृतीय चतुर्थ ईसा पूर्व शताब्दी में या ईसा बाद में इसकी रचना हुई है, लेकिन शुरू में ही बोलेंगे ब्रह्मा ने इसे अपने संतान सूर्य को इसका उपदेश दिया था, क्योंकि जब तक हिंदू लोग ये नहीं सुनेंगे कि ये भगवान से, साक्षात भगवान के मुंह से यह बात आई है, हिंदू लोग इसे नहीं मानेंगे। इसीलिए बाद में आगे चल करके पुराण आदि में आता है कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकल रही है। ये सब करने से ना दिव्य भाव मन में आता है। तो कहते हैं भगीरथ ने तपस्या की ब्रह्मा की, तो ब्रह्मा अंत में बोले बोलो क्या चाहिए। तो बोलते हैं कि मेरे पूर्वज हैं, इस तरह से अवशेष पड़ा हुआ है, इन्हें समुद्र तक पहुंचाना है, तो आप व्यवस्था कीजिए कि गंगा उतर आए। जैसे कि मेरे जो प्रपितामह, भगीरथ के प्रपितामह थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गंगा चली जाएगी। तो कहते यम हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवतः सुता, हिमवान की बड़ी लड़की है, जाएगी, लेकिन ऊपर से जो गिरेगी या तो पाताल में चली जाएगी, इसलिए तांग वै धारि तुम राजन हरस तत्र नियोज्यताम। जहाँ पर यह कथा हो रही है उस, अगर इसके पहले का देखें जो YouTube में हम लोगों ने डाला है, तो वहाँ पर श्री रामचंद्र जी को वाल्मीकि बतला रहे हैं कि ये भगवान शिव का आश्रम था। यानी शिव का वर्णन वाल्मीकि रामायण में जब आता है, यह छपरा के आसपास का आता है। हम लोगों ने पहले वर्णन किया है सरयू नदी, सोन नदी, गंगा नदी, इस तीनों का संगम जहाँ पर है। अभी भी अगर आप छपरा जाएंगे तो वहाँ के लोग, छपरा के लोग ये सब कहेंगे कि विश्वामित्र का आश्रम यहाँ था, ये था, वो था, ये सब कहना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आता है उसके अनुसार जो घटनाएं घट रही हैं ये छपरा के आसपास ही, आरा, छपरा, इस सब के आसपास ही हो रही हैं। लेकिन इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक चीज़ है
कि विश्वामित्र स्वयं वहाँ के नहीं थे। साधारण तो लोग अपने स्थान को बढ़ा करके कहते हैं वाल्मीकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद के आसपास के थे, और यहाँ पर ये कहते हैं कि शिव जो साधना किए थे, और यहाँ तक कि राजा बलि के बारे में कहते हैं सबकी साधना, सब वही छपरा पटना आरा इसके बीच के जगह का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर शिव की बात आती है, यदि भी इसके पहले कहा गया कि शिव कैलाश चले गए पार्वती के साथ जब थे, पार्वती की शादी जब होती है वह किस जगह हुआ इसका वर्णन यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जैसे कि अमरनाथ है वहाँ पर भी कहते हैं शिव पार्वती, कैलाश आदि पे शिव पार्वती सब जगह कहते हैं, क्योंकि भारत में सब स्थान को भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है। तो कहते हैं कि देखो भगवान शंकर ही एकमात्र हैं जो धारण कर सकें। तो वाल्मीकि रामायण में आकर के हम लोग एक विशेष चीज़ पाते हैं, वह है शिव महिमा, क्योंकि वेदों में शिव की महिमा नहीं है, उपनिषद में भी शिव की महिमा नहीं है, पुराण में स्पष्ट दिया गया कि कैसे शिव को वैदिक परंपरा में लोग नहीं मानना चाह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको स्वीकार किया गया। वाल्मीकि रामायण जब शुरू होता है तो शुरू से ही शिव की महिमा है। तो कहते हैं कि गंगा आया पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते, गंगा का पतन पृथ्वी नहीं सह सकेगी। तांग वै धारिन तुम राजन नान्यम पश्यामि शूलिना, शूली भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं, उनका नाम शूली है। कहते हैं इनको छोड़ कर कोई धारण कर सके मैं तो नहीं देखता हूँ, नहीं तो ये जो तुमने तपस्या की सब विफल हो जाएगा। भगीरथ बरसों तक तपस्या किए, ब्रह्मा को प्रसन्न किए, और फिर से इनको अब तपस्या करनी पड़ेगी शिव को प्रसन्न करने के लिए। इसको अगर मनोरंजन में देखें हास्य में सरकारी दफ्तर की तरह हो गया, एक जगह आप कागज़ पास करवा लीजिए उसके बाद आपको बोलेगा हाँ यहाँ तो हो गया अब, लेकिन आपको जो है क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसमें भी जाके आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, तो फिर वहाँ से पास करो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा, ये भी कुछ ऐसा ही हो गया यहाँ पर, ऐसे मैंने हास्य में कहा। तो कहते हैं कि अब भगीरथ केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिका के खड़े हो गए, मैंने अंगूठा को जमीन पर रख करके पाँव ऊपर करके खड़े हो गए शिव को प्रसन्न करने के लिए। सब देखेंगे अभी भी, हमने तो स्वयं नहीं देखा है लेकिन हमने सुना है कि कुछ कुछ जो हठ योगी आदि होते हैं ना केवल हाथ के बल पर पांव उल्टा करके तपस्या कर रहे हैं, इस सबसे कुछ शक्तियां आती हैं, तो लेकिन जब वो कोई इस तरह से जप कर रहा है कि मैं शिव का ध्यान कर रहा हूँ, तो कहते हैं उमा बल्लभ शिव प्रसन्न हो गए कि अरे हम लोग खुश हो जाते हैं ना कोई हमारे लिए कुछ करता है, एक साधारण गिफ्ट भी अगर कोई दे दे तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं यहाँ पर कोई बोलता है कि बस मैं तो आपके नाम से मैं एकदम धुनी जमा कर बैठ गया हूँ, केवल धुनी जमा कर नहीं एक अंगूठे पर खड़े हैं पूरा। कहते हैं पीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम, हे नरश्रेष्ठ तुम्हारा मैं प्रिय करूँगा। यहाँ पर एक बात मैं बतलाऊँ कि कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये जो कहानी सब है शायद बाद में किसी ने जोड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रक्षिप्त अंक कुछ कुछ हैं, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कैसे एक ही चीज़ एक के बाद एक दो अध्याय में आती है, लेकिन अगर प्रक्षिप्त भी है तो भाषा ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल एक समान है, जो शैली है लिखने की जैसे भागवत में शैली बदल जाती है, कहीं कहीं भागवत में देखते हैं श्लोक बहुत ही सरल भाषा में है और अधिकतर अत्यंत जटिल क्लिष्ट, उनको समझ में नहीं आता क्या बोलना चाह रहे हैं। महाभारत की भाषा बहुत सरल सीधी भाषा है, ये बहुत आसान है। प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रिय, मैं तुम्हारा प्रिय करूँगा, ठीक है मैं गंगा को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। तो कहते हैं कि जब स्वीकृति मिल गई तो हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री कहते हैं कि सर्वलोक नमस्कृता, गंगा के नाम में कहते हैं सर्वलोक नमस्कृता,
अब प्रश्न आता है कि गंगा का नाम वेद में क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि गंगा उस समय स्वर्ग में थी, भारत में उतरी ही नहीं थी, तो कहाँ से गंगा का नाम आएगा? यह है हमारे जो ऋषि कवि थे, इन लोगों की जो एक विशेषता है ना, जब एक चीज बदल रहा है, एक परंपरा बदल रही है ना, उसको बहुत सुंदर ढंग से उसे जोड़ देते हैं। सुंदर ढंग से जब जोड़ दिया इसे, तो बोलते हैं कि सर्वलोक नमस्कृता, केवल यह जो सिंधु नदी है या सरस्वती नदी है, इसे तो केवल हिंदू लोग पूजते हैं, लेकिन गंगा को देवता लोग भी पूजते हैं। तो वहां से गिरी सीधे भगवान शंकर के सर पर। लेकिन अल्हड़ लड़की सी है, जो जिसका शरीर मन स्वच्छ हो ना, लड़की अल्हड़ सी प्यारी सी लड़की शरारत करती है, जिसे डांटा भी नहीं जा सकता है। पहले के दिनों में भी हम लोग देखते थे कि जो लड़की है उसे नहीं डांटा जाता था, बाप भाई कोई नहीं, माँ भले थोड़ा डांटे, बाकी कोई नहीं डांटते थे, शरारत करे कोई कुछ नहीं कहते थे। इसलिए उसने क्या किया, अचिंत्या अचिंत्य चसा देवी गंगा परम दुर्धरा, परम दुर्धर अल्लड़ सी है ना, और शक्ति बहुत है, ऊपर से गिर रही है, तो गिरने के समय सोच रही कि बस विषाम्य हम ही पातालम शोत्सा गृह शंकरम, शिव को लेकर के मैं पाताल में घुस जाऊंगी। वेगवती है ना, हम लोग प्राय सोचते हैं ना कि जिससे आमने सामने बात हो जाती है ना, कि इसको उड़ा करके हम लेके चले जाएंगे। एक यहां पर आप कह सकते हैं कि एक बचपना है, एक अल्लड़पन है, नादानी है, लेकिन शिव ने इसे प्यार की दृष्टि से नहीं देखा, शिव कुपित हो गए, क्योंकि शिव ने इसमें अहंकार देखा। तो हम लोग कभी जिस चीज में अल्लड़पन देखते हैं, एक प्यार सा देखते हैं, वहीं पर कभी लोग इसको अहंकार के रूप में देखते हैं। तो शिव इतने नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि तस्यावले पानम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान अर, शिव नाराज हो गए कि ओ इसे बहुत अहंकार है ना, ठीक है लो। और उन्होंने तुरंत क्या किया, गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया, और जैसे ही विचार किया तो भगवान शिव के सर पे जो जटाएं थी वो गुफा के रूप में हो करके गंगा खो गई, और भटकती रही भटकती रही भटकती रही, उसे कोई पति नहीं मिल रहा, उसमें कैद हो गई, खत्म खो गई। बोलते हैं कि अब जो शिव की जटा मंडली है यह अब हिमालय की तरह सुशोभित होने लगी। यहां पर उल्टा हो रहा है, हिमालय को अगर आप देखते हैं हिमालय को, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि शिव की जटाएं हैं, यहां पर उल्टा बोल रहा है कि शिव की जटा जो अब हिमालय की तरह लगने लगी। इसके बारे में हम अभी एक बात करेंगे। तो बोले कि अब उसमें इस तरह से वो फंस गई, भूल भुलैया में जैसे कोई फंस जाए, गंगा नदी इधर जा रही है उधर जा रही है, फंस गई पूरी, निकल ही नहीं पा रही है, खत्म। अब वो बहुत वर्षों तक जटा जूट में भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है, भटक रही है। जैसा मैंने बोला, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन ले जाओ, भगीरथ फिर पहुंच गए शिव की तपस्या करने कि प्रभु कृपा कीजिए। वी ससर्ज ततो गंगाम हरो बिंदु सरप्रति तस्याम विसृज्य मानायाम सप्त श्रोतांसी जगिरे। तब शिव बोले अच्छा ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, बिंदु सरोवर में ले जा करके गंगा को छोड़ दिया, और गंगा बेगवती थी, जैसे निकली सात धाराएं उसकी निकल गई, माने वह तेज उसका नहीं रहा। तो यहां पर अलादिनी पावनी नलिनी ये सब बोलते हैं, पूर्व दिशा सुचक्षु सीता सिंधु ये पश्चिम दिशा की ओर चली, और गंगा बीच में। तो यहां पर है बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। ये बहुत सुंदर है, ये वर्णन में दो मिनट के लिए बात करना चाहूंगा।
आप लोग जो गंगोत्री गोमुख आदि गए हों, हरिद्वार से जब आप ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो देखेंगे वहाँ कैसे अलग अलग धाराएं गंगा से मिल रही हैं और गंगा कैसे 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 अलग अलग रास्ते से निकल रही है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जब गोमुख की ओर जाएंगे ना, यहाँ बिंदु सरोवर का अर्थ शायद गोमुख ही है, तो गोमुख से जब गंगा निकलती बिल्कुल पतली सी धार, शायद किसी ऋषि ने देखा होगा बहुत पहले। अभी तो गंगोत्री आदि काफ़ी जहाँ तक सुविधाएं हैं काफ़ी आगे बढ़ गई है जगह। मैं शुरू शुरू में बहुत पहले जब गया था उसमें कुछ भी नहीं था। और यह जब हम लोग सोचते हैं कि वाल्मीकि रामायण चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर लोग इसे प्रक्षिप्त भी माने तभी 2000 साल पुरानी तो होनी ही है, और अगर सही सही वाल्मीकि हम लोग जिससे मानते हैं करें तो 4000 साल पुरानी है। अब अगर आप सोचें कि 4000 साल पहले आसे या 2000 साल ही सही, 100 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। केवल अगर आप जिम कॉर्बेट की किताबें पढ़ें, जो जिम कॉर्बेट 1920-21 के आसपास कहानियाँ लिखनी शुरू किए कुमाऊँ गढ़वाल उस हिस्से का, कहीं कुछ है ही नहीं। और 2000 साल पहले कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में गंगोत्री तक अवश्य पहुंचा है, नहीं तो ये जो वर्णन है कि कैसे गंगा निकलती हैं और कैसे उसकी धाराएं निकलती हैं, यह संभव ही नहीं है कैसे लिखे। कम से कम यह पता तो होना चाहिए कि गंगा जो है हिमालय से निकल रही है। तो आश्चर्य लगता है कि कैसे लोग वहां तक पहुंचे होंगे और देखे होंगे। लेकिन इसमें यहाँ पर जो दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, पहला है कि भगवान शिव का एक अनंत रूप, भगवान अनंत हैं और उनकी क्षमता असीम है। इसका वर्णन कैसे करेंगे, इसका वर्णन करना मुश्किल होता है। इसका वर्णन करते हैं, गंगा नदी हम लोग देख करके समझते हैं कि गंगा नदी कितनी विशाल नदी है। विशेष करके अगर बिहार में कहीं पर जाएं आप, बिहार के फरक्का अगर चले जाएं, फरक्का से धीरे धीरे अगर पटना की ओर जहां सोन नदी आकर मिलती है, या सोन को तो नद बोलते हैं, सोन नद मिलता है, तो उसका विशाल रूप जब देखेंगे तो घबरा जाते हैं, विशेष करके बारिश के समय। और इतनी विशाल नदी, सालों भर इतना पानी, वो शिव जी के जटाजूट में जाकर के खो गई है। तब उससे समझ में आता है कि शिव जी की जो जटाएं हैं कितनी विशाल होंगी, जहां की गंगा खुद खो जाती है। यह है भगवान कितने महान हैं, उनकी क्या क्षमता है, इसको बतलाने के लिए इस तरह का वर्णन किया जाता है। और जहां तक गंगा की बात है, गंगा दिव्य है। क्यों? बहुत सारे कारण से। पहला, स्वर्ग में थी। दूसरा, शिव के जटा से निकले। आज तक हम लोग जब बोलते हैं साधारण तो उसे शिव के जटा के साथ ही उसे जोड़ा जाता है। तो दूसरी दूसरी जगह कहानी है कि शिव जी बस अपनी जटा से एक बूंद निकाल करके बिंदु सरोवर में छोड़ दी। मैंने शिव जी की जो जटा है इतनी विशाल है कि उसमें से एक बूंद ला करके छोड़ दिया तो उसी से गंगा नदी हजारों साल चलती रहती है। और शिव जी ध्यान में बैठ गए, फिर हजार साल बाद जब उनका ध्यान टूटता है फिर एक बूंद डाल देते हैं। मैंने यह सब है कि दिखाने के लिए कि शिव जी कितने महान, कितने विराट हैं। तो जब भी मैं इस चीज़ के बारे में सोचता हूँ, इस कहानी के बारे में, बहुत अच्छा लगता है सोच करके कि देखिए हिंदू लोगों ने किस तरह से एक प्राकृतिक सत्य, उसको किस तरह से धर्म के साथ जोड़ा है और कितने सुंदर ढंग से जोड़ा है कि नदी है, गंगा है, उसको जोड़ करके स्वर्ग से, देवताओं से, बाद के पुराणों में भगवान विष्णु के साथ जोड़ देंगे, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है।
तो ये हुई गंगा की कहानी। अब वो भगीरथ अपना बजा चलना शुरू किया रथ पर, लेकिन वर्णन थोड़ा सा संदेहजनक लगता है क्योंकि अगर हिमालय गए हैं वहाँ पर रथ चलने की संभावना नहीं है। खैर, हरिद्वार के बाद तो चलने की संभावना है ही। तो बोलते हैं कि जहाँ जहाँ से गंगा चलनी शुरू हुई, गुजरनी शुरू हुई, एकदम भगीरथ शंख बजाते हुए चले जा रहे हैं, गंगा पीछे पीछे बहती चली आ रही है और सबको पवित्र करती हुई, सबका उद्धार करते हुए। अभी तक कहते हैं ना, ये जो गैंगेटिक प्लेन हरिद्वार से लेकर के यहाँ गंगा सागर तक जो है, यह तो इतना उर्वर और मूल सभ्यता मानो भारत की ना यहीं पली बड़ी, जिस कारण से गंगा के बिल्कुल एक अलग मूल्य है। तो कहते हैं कि जितने लोग स्वर्ग से शाप भ्रष्ट होकर के आकाश से गिर गए थे, वे सभी गंगा में डुबकी लगाए और शाप मुक्त हो गए। यानी जो व्यक्ति शापग्रस्त है, गंगा में अगर नहाता है मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं कि सभी संसार के पूरे लोग प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए कि हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन गंगा, उसकी शरारत बंदी नहीं हो रही है। भगीरथ उसे संभाल करके लेके चले आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में उसे जहनू मुनि, जहनू एक बड़े राजा थे और वो अपना यज्ञ कर रहे थे। पहले के दिनों में हर हिंदू, इसके मन में एक सपना होता था कि जब उम्र हो जाएगी मैं सब कुछ छोड़ करके अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दूंगा, शुरू में वानप्रस्थ और वहाँ से फिर संन्यास। ये हिंदू लोगों की पुरानी परंपरा। अभी कोई हमें बोल रहे थे कि देखिए क्या हो रहा है, हाँ यह जो युक्त परिवार हुआ करता था, जॉइंट फैमिली, सब नष्ट हो गया है, ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। मैंने कहा कि भैया, एकमात्र हिंदू संस्कृति ही है, एकमात्र भारत ही है जो इसको इसकी अनुमति देती है। यह वानप्रस्थ और संन्यास हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और स्पष्ट बोला गया है कि जैसी कनपटी के चूप जो केश हैं, ये जब सफ़ेद होना शुरू हो और पोते का मुंह देख लिया, घर छोड़ करके निकल जाइए। आपकी पत्नी अगर आपके साथ नहीं जाती है, उसके रहने खाने की व्यवस्था कर दीजिए, घर से निकलिए, आप वानप्रस्थी बन जाइए। और ज़बरदस्ती आप लोग लटके हुए हैं। आपके शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि 50 साल, उसमें 50 साल की उम्र में लोग बूढ़े हो जाते थे। अच्छा, अब रिटायरमेंट 60 हो गया, 60 को बढ़ा करके 65 कर दीजिए, 70 कर दीजिए, निकलिए घर से। दूसरे धर्मों में है ही नहीं ये जो है कि बुढ़ापे में जाकर के आप ओल्ड एज होम में रहेंगे, दूसरे धर्म में है ही नहीं, एकमात्र हिंदू धर्म ही है। और ओल्ड एज होम में तो कम से कम रहने खाने की व्यवस्था है, वानप्रस्थी को तो उसकी भी अनुमति नहीं है। जब बोलते हैं कि गांव के बाहर जाकर के जंगल के किनारे कुटी बना लीजिए, उसमें सीधा साधा जीवन यापन कीजिए, थोड़ा बहुत जो भिक्षाटन से मिल जाए, थोड़ा बहुत जो हो बस। अब लोग दिन रात, देखिए अभी फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिन रात लोग लिख रहे हैं कि देखिए हमारे दुख की कथा। अरे हम अपन दुख की कथा मने, जब आपको घर छोड़ना था आपने तो घर छोड़ा नहीं और अब बोल रहे दुख की कथा। संन्यास छोड़ दीजिए, वानप्रस्थी बनिए, स्वामी स्त्री दोनों मिलकर के जाकर के थोड़ा रहिए और शास्त्रों में पढ़िए। हर शास्त्र में कहीं ना कहीं घुमा करके आपको मिल जाएगा। एक राजा बहुत अच्छे से राज किया, जब उनकी उम्र हो गई सब राजपाट अपने बेटे के हाथ में दे करके चले गए वानप्रस्थी हो गए या संन्यास लेकर के। राजा लोग अब बोलते हैं 100 साल, अब 100 साल तक मरते ही नहीं थे लोग, यानी 100 साल का करें तो लड़का 70 साल का हो गया, जवानी उसकी खत्म, वो राजा कब बनेगा? आप मरेंगे भी नहीं, आप छोड़ेंगे भी नहीं, वृद्धाशास लोग है, छोड़ेगी भी नहीं, पोतहू कब राज करेगी? तब बोलती है मुझे घर अलग बना दो, हम कब भोग करेंगे? अब पहले तब भी कम उम्र में आती थी तो उसे लगता था कि कुछ दिन में मिल जाएगा, अब तो शादी होती है देर से, उसे लगता है कि हम कब करेंगे, आपकी सेवा के लिए हम थोड़ी आए हैं। तो ये जो है ना, हिंदू लोग बहुत प्रैक्टिकल थे, उन्होंने शुरू से ही कह दिया और उन्हें पता है कि स्त्री, नारी
वह कष्ट नहीं सह सकेगी, इसलिए बोल देते हैं कि अगर वह नहीं जाना चाहे तो उसके लिए स्वाधीन व्यवस्था आप कर दीजिए, वो अपने बेटे पर आश्रित नहीं रहेगी, लेकिन आप निकलिए। लोग निकलते नहीं हैं, हिमालय को छोड़ दीजिए, ओल्ड एज होम में भी नहीं जाना चाहते हैं, और दोष देते हैं देखो कैसा जमाना आ गया। जमाना पहले से बहुत अच्छा जमाना है। जनु राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, सब राजपाट छोड़ करके जा करके बैठ करके अपना अकेले अकेले यज्ञ करते हैं। गंगा अल्हड़ है, शरारती है, उनके यज्ञ मंडप को बहा करके चली गई। तो जनु बहुत नाराज हो गए, उन्होंने कहा कि शरारती है, तो बस उन्होंने चुल्लू में लिया और गंगा को पी लिया। यह हम लोग की हिंदू जो कथाएं हैं इसमें अगस्त्य मुनि का भी है, वो पूरा समुद्र पी गए थे, और बाद में इस दोनों को जोड़ दिया गया कि चूंकि अगस्त्य ने पान कर लिया था, समुद्र खाली हो गया था, पानी है ही नहीं, समुद्र को भरना है, कैसे भरेंगे, तो भगीरथ जो गंगा ले जाकर के फिर समुद्र को भर दिया, और उसके माध्यम से इनके जो सगर पुत्र थे इनको मुक्ति हो गई। तो पहले अगस्त्य ने पूरा समुद्र पी लिया, अब जनु मुनि पूरा गंगा ही पी लिया इन्होंने। ये अगस्त्य मुनि उनके बहुत सारे उनकी बहुत सारी कहानियां हम लोग पढ़ते हैं जिनमें उन्हें विशेष योग शक्ति थी। लेकिन जब योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि अगर कोई योगी अगर सच में उच्च कोटि का योगी है तो ये जो पंचभूत से या संसार बना है ना, एक एक करके जब जय करना शुरू कर लेता है तो उसके सारे गुण उसमें आ जाते हैं और उसकी सारी शक्ति उसे मिल जाती है। तो कहते हैं जैसे जल, जिसने जल तत्व को जय कर लिया है वो चाहे तो विश्व में जो भी जल है उसे पान कर लेगा, उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, उसके अंदर समा जाएगा। साथ में अगर वह चाहे अपने आप को जल के साथ एक कर दे सकता है क्योंकि उस तत्व के साथ वह एक हो गया है, ये योग शास्त्र में आता है और इसका वर्णन दूसरे दूसरे ग्रंथों में भी आता है। और योग में इस बात को मानते हैं कि आप जिस तत्व को जय कर लिए हैं उसके साथ आप एक हो जाते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो जब चौथी कक्षा में थे उसको जब जय कर लिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं पाँचवीं कक्षा के लिए। हम लोग चाहें तो चौथी कक्षा में हम लोग आराम से जा सकते हैं, छठी में नहीं जा सकेंगे। तो इसी तरह से जो एक एक तत्व जय कर लेते हैं वो उसके साथ वो एक हो सकते हैं और उस पर वो नियंत्रण हो जाता है। योगी का अर्थ ही होता है एक एक चीज पे, एक एक चीज पर अपना नियंत्रण ले आना, जहां से उसे उस पर पूर्ण नियंत्रण हो, पूरी विजय प्राप्त हो जाए और उसको फिर वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो जनु मुनि यज्ञ करके योगी बन गए थे, उन्होंने पी लिया। तो कहते हैं संसार के लिए बहुत अद्भुत बात हुई। तो फिर समस्या हो गई और एक बार फिर से भगीरथ को फिर से स्तुति करनी पड़ी, वही सरकारी दफ्तर वाला फिर और एक जगह जाकर के अटक गया। तो खैर तब जनु मुनि, राजा के अब तो मुनि हैं, संतुष्ट हुए, अब कान से उन्होंने निकाल दिया गंगा को। तो चूंकि जनु मुनि के कान से निकली इसलिए इसका नाम हो गया जाह्नवी। गंगा का एक नाम है जाह्नवी क्योंकि अब वो जाह्नवी पुत्री हो गई। एक तरफ वो शिव के पास से निकली, फिर जनु के मुनि से करके उसके बाद वहाँ से जब निकली, अब अंत में गंगा सागर के पास आकर के जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, उसके भगीरथ के पूर्व पुरुषों के जो भस्मावशेष थे उसे बहा करके गंगा समुद्र में मिला दी। तो इस पर कहते हैं विश्वामित्र कि देखो ये तो तुम्हारे पूर्वज थे, भगीरथ तुम्हारे पूर्वज थे, तो गंगा जल से तर्पण करो। तर्पण का अर्थ होता है अपने पितरों के नाम से, आपके जो पूर्व पुरुष हैं उनके नाम से एक अंजलि देना। जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं,
किसी बड़े आदमी को देख करके हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में विग्रह को देख करके प्रणाम करते हैं ना, उसी तरह से पितरों के नाम प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम करने की विधि है तर्पण करना। तर्पण साधारणतः करते हैं हाथ में जल लेकर के, जहाँ जिस जल में है, या लोटे में जल लेकर के साधारणतः गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए पितरों के नाम से डाल दिया जाता है। और गंगा अगर पहुँचे तो गंगा में उतर के, गंगा में डुबकी लगा के, गंगा में नहा करके, और वो जल अंजलि में लेकर के सूर्य की ओर मुंह करके गायत्री मंत्र द्वारा तर्पण किया जाता है। यह सबके लिए आवश्यक है। पंचमहायज्ञ हिंदू लोगों के लिए दैनिक अनुष्ठनीय है, रोजी करना पड़ता है उन लोगों को। उसमें एक होता है पितृयज्ञ, और पितृयज्ञ में यह नित्य तर्पण आवश्यक है। नित्य तर्पण, श्राद्धादि कर्म, पिंडदान, ये सब पितृयज्ञ में आते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार हुआ गंगा अवतरण, और गंगा स्वर्ग से उतरकर हिमालय होते हुए समुद्र तक पहुंची। तो विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को यह कहानी बतला देते हैं कि कैसे गंगा का अवतरण हुआ। तो आज हम लोग इसको यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद समुद्र मंथन, और वहां से अहल्या उद्धार पर हम लोग उतरेंगे अगले सोमवार को।